अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहरीन ने सुलेमान अहमद को धमकी दी, अगर शामिर सिकंदर के रिश्ते के लिए तुमने हाँ कर दी और शिब्रा का रिश्ता तुमने दिया तो मैं तुम्हारी बेटी शिब्रा को ख़त्म कर दूंगी और ये मेरे लिए बहुत आसान है और मेरे एक अरफ तुम्हारी बेटी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम्हें इसकी मौत मंजूर हो तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। व्यूअर्स, इस वजह से जब दाऊद अली खान गया उसके घर तो उसने रिश्ते से इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती। व्यूअर्स, शिब्रा को तो कुछ मालूम नहीं है और सलेमान ने किसी को कुछ बताया भी नहीं और व्यूअर्स दाऊद अली खान भी बहुत खुश है। वो महरीन को कॉल करेगा कि महरीन मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या क्या है कि इन लोगों ने इनकार कर दिया। व्यूअर्स, महरीन कहे कि मैंने उन्हें ये बताया कि अगर तुम लोगों ने इकरार की तो मैं शिब्रा को ख़त्म करूँगी। व्यूअर्स, दाऊद अली खान का तो ये फिक्र है कि अगर मैं अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता करूँ तो यहाँ महरीन का बाप मेरा साथ तो छोड़ देगा और मेरा पार्टी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, दूसरी तरफ दाऊद अली खान के साथ अपने बेटे की भी फिक्र है क्योंकि इसकी खुशी इसके लिए बहुत अहम है। अगर इसने इसके खुशी का ख्याल किया और इसने शिब्रा के रिश्ते उसके लिए किया तो वो पार्टी का चेयरमैन बनेगा और पार्टी के चेयरमैन बनने के बाद शामिर सिकंदर जब पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो लोग इसको वोट भी डालेंगे। तो इस वजह से वो चाहता है कि शामिर सिकंदर इस पार्टी का चेयरमैन भी बने और ये खुश भी रहे, क्योंकि अगर इसका मैंने शिब्रा का रिश्ते इसके लिए नहीं किया तो ये फिर चेयरमैन बनने से भी इनकार करेगा और इसके दिल में इतने ज़ख्म होंगे कि फिर ये इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल हाँ नहीं करेगा। तो इस वजह से ये दोनों तरफ से अभी सोच में है कि मैं क्या करूँ। लेकिन व्यूअर्स, अगले किस्त में हम देखेंगे कि शिब्रा को ये पता लगेगी, शिब्रा के बाप शिब्रा को बताएगा कि बेटी मैंने सिर्फ इसलिए परास को तुम्हारी शादी के लिए हाँ की है कि तुम अपनी शादी परास के साथ करो, क्योंकि अगर मैंने दाऊद अली खान को हाँ की तो तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का ये सवाल है। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर ये बात शिब्रा और शामिर सिकंदर को करेगी और शामिर सिकंदर अपने बाप को भी कहेगा कि महरीन को कहो कि आइंदा हमारे साथ नारो हमारे घर में आने की भी ज़हमत ना करो, अगर तुम लोग आए तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इस धमकी के बाद दाऊद अली खान महरीन को कहेगी कि शिब्रा का पीछा छोड़ दो क्योंकि शिब्रा में अपने बेटे शामिर सिकंदर करे करी होती। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल इख़लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।